नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्स इन्फोटेक पे। तो जैसा कि आप सभी CSCVLE भाइयों को दिक्कत आ रही है विंडो अपडेट ऑफ कैसे करना है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा, और अपडेट बंद क्यों करना है ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं विंडो अपडेट बंद क्यों करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि अपडेट बंद क्यों करना है। अपडेट बंद इसलिए करना है क्योंकि जैसे कि आपने मोजिला फायरफॉक्स 48 32 बिट जैसे आपने इंस्टॉल किया, जैसे आपके उसमें अपडेट ऑटोमेटिक लगा रहता है, तो जैसे ही कि पुराना वर्जन है तो ये ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा। क्रोम का अगर आप पुराना वर्जन डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक ही कुछ ही दिनों में या कुछ घंटों में ही वो अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा, नया वर्जन उसका आ जाएगा। तो इसको ऑफ रखने के लिए हमको अपडेट बंद करना पड़ेगा, ठीक हो गया। और दूसरा जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र का भी अपडेट हमको बंद करके रखना पड़ेगा, जिससे कि ऑटोमेटिक ही वो अपने आप जो नया वर्जन है वो नया वर्जन में ना आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं विंडो का अपडेट बंद कैसे करना है। विंडो का अपडेट बंद करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्टार्ट बटन पर जाना है। आपने यहाँ से सेटिंग को चूज़ कर लेना है। सेटिंग को चूज़ करते ही आपके सामने अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। इसको आपने क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखना है कि एडवांस ऑप्शन कहाँ पर है। एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने आपके सामने ये सभी जो है ऐसे ऑन रहेंगे। आपने इन सभी को एक एक करके ऑफ कर देना है। अपडेट नोटिफिकेशन को भी आपने बंद कर देना है। ये सभी चीज़ आपने बंद कर देना है। पॉज अपडेट हो रखा है। तो ये तो हो गया आपका विंडो अपडेट बंद करने का ऑप्शन। तो उसके बाद देखते हैं मोजिला फायरफॉक्स का जो अपडेट बंद करना है वो कैसे करना है। आपने सबसे पहले अपना मोजिला फायरफॉक्स खोल लेना है। मोजिला फायरफॉक्स खोलने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आपने ऑप्शन पर जाके आपने एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करते ही आपके सामने जर्नल डाटा चूज नेटवर्क सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा और अपडेट का ऑप्शन आएगा। तो आपने यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये आपका रहेगा इस टाइप से ऑटोमेटिक इंस्टॉल अपडेट। तो आपने इसको बंद करके नेवर चेक फॉर अपडेट कर देना है, और उसके बाद से आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इतना ही आपका हो जाएगा तो आपका जो ये अपडेट है बंद हो जाएगा। तो जिससे कि आपका जो ये मोजिला फायरफॉक्स 48 32 बिट है ये अगली बार से अपने आप ही इंस्टॉल नहीं हो पाएगा और अपडेट नहीं हो पाएगा। तो जो आपका वर्जन रहेगा वही रहेगा, नहीं तो अगर आप इसको हटा देंगे तो आपके सामने आप देखेंगे कि जैसे आप डाउनलोड करोगे उसी वक्त या तुरंत थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक अपडेट होकर नया वर्जन आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी सभी नोटिफिकेशन का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।